चलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बिल्कुल फिट, और यहाँ पे बकरे हैं बहुत सारे जो हमारे पार्ट को कर रहे हैं खराब घास खा खा के। तो भाई, आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आपके लिए बहुत 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 ही ज़रूरी है। लर्निंग बना हुआ है तो भी देखो, नहीं बना हुआ तो भी देखो, टोटल है ना, शुरू से एंड तक प्रोसेस और वन टाइम गो में आप क्लियर कर लोगे। भले कितना ही खड़ूस क्यों ना आपका टेस्ट लेने वाला ऑफिसर हो, आप मन गो में पास कर लोगे, कोई एक टेस्ट में भी आप फेल नहीं होगे, ठीक है। तो हम शुरू से चलते हैं। अच्छा, कुछ इसमें हो सकता है मिस्टेक भी हो, लेकिन आपको कोई इतना कोई ख़ास मसला नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने ये तकरीबन बनाया था लाइसेंस अपना 1.5 साल पहले, ठीक है। और जब मैं लाइसेंस बनाने गया था तो सीधी बात बताऊं तो मुझे कोई इतनी ख़ास ड्राइविंग नहीं आती थी। मतलब ख़ास से यूं कि मैं यूं कटिंग वटिंग नहीं मार सकता था, या मतलब मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था जब मैं लाइसेंस बनाने गया था। तो मैं समझ लो कि लर्नर ही था, ठीक है। लेकिन मैंने वन गो में लाइसेंस बना लिया, लेकिन इसमें कोई मेरी कोई खसूसियात नहीं थी, ठीक है। ये तो मेरा लक था कि ये वन गो में मेरा लाइसेंस बन गया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपना NIC लेकर जाना है पोस्ट ऑफिस में, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस में। अब तो ये वायरस का मसला चल रहा है तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उनकी वेबसाइट से। तो आप जो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वेबसाइट का, वहाँ पे जाके अपना टोकन नंबर ले लें। टोकन नंबर लेने का टाइम है 7 से 10 बजे तक। टोकन नंबर लेने के बाद आपको वो टाइम वगैरह बता देंगे कि आप इस टाइम आ जाएँ, और आपको फिर वहाँ जाना है, फिर आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने में मुश्किल थे 15 से 20 मिनट लगते हैं बस यार। अब तो वैसे ही रश कम होता है क्योंकि वायरस चल रहा है तो ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं आने देते। तो लर्निंग लाइसेंस के बाद आपको ये करना है कि प्रैक्टिस करनी घर में, ठीक है। अगर आप बाइक का बनवा रहे हो तो बाइक में आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप गाड़ी का बनवा रहे हो तो गाड़ी में आपको प्रैक्टिस करनी है। बाइक में अब आप तो बोलोगे मैं तो भाई राइडर हूँ, मैं तो है ना पास कर लूँगा, बाइक में कौन सा मुश्किल होता है, ये होता है वो होता है। तो ये थोड़ी आगे की बात आ गई। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टार्ट में। सबसे पहले आपके होंगे आइस चेक होगा, ठीक है, आइस चेक होगा। अब आइस चेक में ये है, एक दो ऑफिसर बैठे हुए थे जब मैं गया। एक तो इतना कोई खड़ूस ऑफिसर था जो हर किसी को आंखों में ही फेल कर रहा था। मेरा तो फिर चश्मा था, मैंने कहा लग रहा है मैं तो यहीं फिर टूल हो जाऊँगा, लेकिन खैर मुझे उसने पास कर दिया। हालाँकि मैंने एक दो वर्ड गलत भी बताए, पता नहीं मैं अंदर गया तो मुझे वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल अंधा हो गया, वो प्रेशर था। वैसे तो सब क्लियर ही था, वो ये जैसे ग्लासेस के टेस्ट करवाने जाते हैं ना, वो ABCD पूछते हैं, ऐसे वो पूछते हैं। खैर उसमें इतने लोग फेल नहीं होते तो उसमें तो आप क्लियर कर ही जाओगे, लेकिन ये कि फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना, आंखें थोड़ी सी छोटी कर लेना। अगर वो बहुत एंड का पूछे जो कोई भी बता ही नहीं सकता तो आप समझदार हो, ठीक है। तो आंखें छोटी कर लेना और वहाँ पे आप टेस्ट या आप क्लियर कर लोगे। उसके बाद आपका टेस्ट आता है सवाल जवाब का, ठीक है। आप सवाल जवाब, वो वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस में तो आपको कुछ मिलता नहीं है सवाल जवाब के, कोई पेपर कोई नहीं देता। तो वहाँ पे कैंटीन बनी हुई होती है, मैंने नाजमाबाद में किया था, नाजमाबाद में जो ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस है कराची में, उसमें मैंने किया था, मैं आपको उसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कैंटीन बनी हुई होती है, कैंटीन में आपको जाके 20 या 25 रुपए का पेपर मिलता है, ठीक है। एक वो साइन बोर्ड होता है, इसमें साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं और उसमें आपको बताना होता है कि ये कौन सा साइन है, ये कौन सा साइन है और ये कौन सा साइन है। इसके अलावा एक होता है 100 क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो पेपर में जब लेने के लिए गया तो मुझे नहीं मिला। तो मेरे दोस्त ने कहा कि वहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं और उनके पास पेपर होता है, तो उनसे ले लेना और उनसे ले कर पेपर आप याद करिए। तो पहला जो आपका टेस्ट हुआ वो आँखों का हुआ, वो आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद जो आपका दूसरा टेस्ट है वो आपका होगा पेपर, कंप्यूटर पे होगा, उसमें इंग्लिश में भी होता है उर्दू में भी होता है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो वो मतलब आपके साथ बैठता है ऑफिसर, वो वर्दी वाला एक बंदा आपके साथ बैठता है और वो आपको पढ़ पढ़ के सुनाता है। आप जो हाँ बोलेंगे वो हाँ कर देगा, आप जो ना बोलोगे ना कर देगा, बिल्कुल चुनने से भी वो हेल्प नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो सवाल जवाब पढ़ के जाना आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप सवाल जवाब उसमें होते हैं 100, ठीक है। अब साइन तो आपको याद रह जाएंगे क्योंकि साइन को इतने कोई है ना नेक्स्ट लेवल साइन नहीं होते, खैर और वो साइन आपको रोड पे नज़र भी नहीं आते हैं कराची में। तो भाई साइन आपको याद करके जाना पड़ेगा, वो पर्चा आपको 20-30 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आंसर का पर्चा नहीं मिलता तो आप वहाँ पर जो लोग बैठे हों उनसे किसी से ले कर पिक्चर क्लिक कर लेना,
ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको लर्निंग के बाद, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं भाई, वरना वन गो में आपका नहीं बनता लाइसेंस, नहीं बनता। और अगर आप इस चक्कर में हो गए मैं पौवा लगा के जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, मेरी जान पहचान है, तो घंटा कोई जान पहचान नहीं चलती है भाई। मेरे सामने वहाँ पर आर्मी ऑफिसर आया था, उसको 2 बार फेल किया है, ठीक है। फिर अच्छा एक बात और भी छोटी सी बीच में डाल दूँ, अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको 42 दिन के बाद आना पड़ता है, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो आप ये करोगे कि आप हेड ऑफिस में जाओगे, मुझे नहीं पता इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, हेड ऑफिस में जाके वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई मेरा ये मसला है और आप मुझे एक चांस और दे दो ताकि मैं कल जाके दोबारा एक चांस ले लूँ, तो ये भी अवेलेबल है, लेकिन ये आपको कोई बताएगा नहीं, हम बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो कैप्टन ने यूँ किया था, वो जो आर्मी का ऑफिसर आया था, आर्मी का था या नेवी का था, तो उसको एक बार फेल किया तो वो दोबारा वहाँ गया टेस्ट, मतलब बोला कि मुझे है ना वो एक मौका और दिया जाए, तो उनको एक मौका और दिया गया और वो फिर क्लियर करके गए। और वहाँ पे मेरी बात भी हुई उससे, एक बंदे से, वहाँ के ऑफिसर से, जब लंच ब्रेक टाइम हुआ था तो उसने कहा कि भाई किसी को भी क्लियर नहीं करते, कोई भी बड़े से बड़ा आ जाए बंदा, किसी को भी क्लियर नहीं करते, सबको फेल कर देते हैं अगर आपने सही नहीं किया तो। और टेस्ट बहुत हार्ड लेते हैं, क्योंकि आगे से ऑर्डर है कि बहुत हार्ड लेना, ये मैं 1.5 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं बता रहा, ठीक है। तो अब आपको वो सवाल जवाब याद करने हैं, और अब वो सवाल जवाब होते हैं 100, ठीक है। अब वो 100 सवाल जवाब में 70 सवाल होते हैं गलत, 9, और 30 सवाल होते हैं सही, यस, ठीक है। अब वो हमें जो पेपर देना होता है उसमें मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन आते हैं यस और नो के, और 10 क्वेश्चन आते हैं साइन के, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आते हैं ना, तो अब लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं पता, लोग ये कहते हैं कि भाई सब में आप नो कर दो तो आप वैसे ही क्लियर हो जाओगे और साइन के जवाब सही दे दो, ठीक है। तो अब ये तो रिस्क है भाई, अब आप पढ़ के चले जाओगे, वैसे तो 70 के जवाब नो है, अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना पेपर देने से पहले और उससे पहले भी 2-3 बार, तो आपको भाई अब उर्दू तो आती है और यस नो तो आपको याद हो ही जाएगा। पेपर देने से बिल्कुल 5-10 मिनट पहले एक बार फिर पढ़ लेना ताकि यस नो आपको समझ आ जाए, क्योंकि वो बहुत उर्दू में और थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है सवाल, जो है ना वो बहुत घुमा फिरा के लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में मसला हो और आप गलत जवाब दो और आप फेल हो जाओ। तो उन सवालों की थोड़ी सी आप तैयारी कर लेना, उन सवालों की आप थोड़ी सी तैयारी कर लेना ताकि आप वन गो में यूँ क्लियर कर लो, ठीक है। अब ये सवाल जवाब हो गए, अब मैंने आपको बताया 10 साइन के होते हैं और मेरे ख्याल से आपको 19 सही करने होते हैं, और मैंने माशाल्लाह से 24 सही किए थे पहली बारी में, और ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब आपने ये सवाल सही कर लिए तो उसके बाद आपकी बारी आती है बाहर टेस्ट देने जाने की। तो मेरा तो गाड़ी का बना हुआ है, और जब मैं टेस्ट देने के लिए गया तो वहाँ पे भाई बड़े बड़े मुझसे भी प्रो ड्राइवर बैठे हुए थे और वो सब फेल हो रहे थे, क्योंकि वो जगह इतनी छोटी थी। अच्छा एक और बात, करोला लेकर जाओगे आप, बड़ी गाड़ी लेकर जाओगे डिग्गी वाली, तो पास करना बहुत ही मुश्किल है भाई, क्योंकि वो जगह इतनी छोटी कर देते हैं कि आपकी गाड़ी मुश्किल हो। हाँ छोटी गाड़ी लेकर जाओगे ऑल्टो डेज मीरा, उसमें भी आपका चांस है, ठीक है। और आपकी गाड़ी में कैमरा हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिर भी फेल हो जाओगे, क्योंकि मेरे सामने 4-5 कैमरे वाले लड़के फेल हुए हैं और वो लगातार 2-3 बार फेल हो चुके हैं पहले ही। तो भाई कैमरे वगैरह की गाड़ी का कोई ऐसा नहीं है आपके पास छोटी, मैं तो अपनी गाड़ी में गया था ऑल्टो में, वाइट ऑल्टो में गया था, अच्छा जब मैं अच्छा ड्राइवर नहीं था। और जब मेरी बारी आई वहाँ पर तो मैं इतना कोई कंफ्यूज था कि बस अल्लाह को याद कर रहा था, और अल्लाह से दुआ यही थी कि मेरा वन गो में हो जाए। तो मैंने भाई, अब वहाँ पुलिस ऑफिसर ऐसे खुर्राट, मतलब आप अच्छा पुलिस वाले ये भी कर रहे थे, आप थोड़ी सी भी गाड़ी अगर टेढ़ी है ना तो फिर वो आपको उंगली करते थे, नहीं सीधी करो गाड़ी। कितने लोगों ने तो गाड़ी अंदर लगा भी ली थी पार्किंग में सही करके, लेकिन गाड़ी सीधी करने के चक्कर में वो टक टक कर देते थे, वो VLC प्लेयर के वो लगे हुए होते हैं ना, VLC का जो लोगो है ना वो रखे हुए होते, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं बाहर को, तो वो उसको टच कर देते थे। तो खैर मेरी बारी आई, मैं गया, मैं गाड़ी बिल्कुल ऐसी बिठा दी, फिर उसने बोला गाड़ी को सीधी करो। अब मैंने बोला मैं अब गया, अब गाड़ी सीधी कैसे करूँगा यार। अब वो मतलब जब मैं अंदर डाल रहा था ना, तो वो एक वहाँ पे, वैसे तो सारे बुड्ढे होते हैं खड़ूस, एक वहाँ पे जवान लड़का था, उसने बोला भाई तुम्हारी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ सर से, तुम अच्छी लगा रहे हो गाड़ी, उसने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया। मैंने कहा भाई अब तो करनी पड़ेगी, लेकिन खैर मुझे पता था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, लेकिन मैं फ़ेल नहीं हुआ और मैंने आराम से गाड़ी लगा दी। तो थोड़ी सी माइनर सी अभी भी टेढ़ी थी मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन सीधी बात बताऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे हर एक एक सेकंड पे यही लग रहा था कि अभी टच होगी गाड़ी, और ये बोलेगा तुम फेल। खैर फिर
अपना तो हो गया। तो खैर भाई मैंने वो कर लिया क्लियर, और फिर मतलब है ना गाड़ी को रिवर्स में लगाना होता है आपको, और उसके बाद फिर दोबारा रिवर्स से गाड़ी निकालनी भी होती है। कुछ लोग ऐसे कि लगा दिया और फिर निकालने में आपके लग गए। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी थे कि उन्होंने लगा ली थी गाड़ी, लेकिन जब गाड़ी निकालने की बारी आई तो फिर वो टच कर देते थे। तो इसका भी ध्यान रखना है कि गाड़ी लगाते हुए भी ध्यान रखें और गाड़ी निकालते हुए भी ध्यान रखें, ताकि टच ना हो और आपकी टेस्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद गाड़ी जब आप निकालते हो तो फिर आपको आगे लेके जानी है गाड़ी, उसके बाद फिर आपको रिवर्स में गाड़ी लानी पड़ती है। एक रिवर्स में भी गाड़ी लगानी पड़ती है, उसमें भी अगर आपने टच कर दिया कोई चीज़ को तो आप हो गए फेल, और बगैर मतलब आगे पीछे किए वन गो में ही आपको रिवर्स लानी है, और फिर आपको आगे निकलना, और फिर आप गाड़ी में हो गए पास। गाड़ी में हमने पास किया, उसके बाद मैं आया बाइक पे आया। अब बाइक पे मसला ये था, देखो गाड़ी ले जाना, आपको अपनी गाड़ी ले जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप दिन रात गाड़ी चलाते हो उस गाड़ी में आपको जाना ज़रूरी है। आप दूसरे की गाड़ी में नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो आप गाड़ी आपके हाथ में बिल्कुल सेट होनी चाहिए, कन्नों कन्नों के आपको हो के हाँ भाई यूँ इतना स्टीयरिंग घुमाऊँगा तो ये होगा, इतना स्टीयरिंग घुमाऊँगा तो ये होगा, तजुर्बे से कुछ नहीं होगा, गाड़ी आपके हाथ में सेट होनी चाहिए। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपको फिर बाइक पे ले जाते हैं। अब वही बात थी, अब मैं गया तो गाड़ी ले जा सकता था या मैं बाइक ले जा सकता था। तो अब वो बाइक वहाँ पे थी कोई अजीब सी बज रही थी, कोई बंदे की बाइक थी, उसने मुझे दे दी क्या आगे, मतलब पुलिस वालों ने कहा कि भाई इनको भी आप ट्राई करने दो। अब वो हेलमेट एक तो, अब मैं हेलमेट पहन रहा हूँ थोड़ा लूज, मेरा फेस ना दबे, अब वो हेलमेट इतना छोटा था कि मेरा फेस बिल्कुल है चिपक गया था हेलमेट से, तो एक तो वो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, उसके बाद वो एक तो मेरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, और उसके बाद है ना जब गाड़ी अब यूँ मछली की तरह बाइक चलानी, अब दूसरे की बाइक मेरा उस पर बैलेंस ही नहीं था, खैर मेरा पाँव नीचे लग गया ज़मीन पे, और उसने बोला फेल होगा चलो भागो। तो भाई अब आपको क्या करना है थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। चश्मे जब आप जवाब दे रहे हो थोड़ी सी आगे छोटी कर लोगे तो वो थोड़ा क्लियर नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसमें तो लोग पास हो ही जाते हैं, सवाल जवाब में लोग होते हैं फेल, सवाल जवाब आपको याद करके जाने हैं भाई, मतलब याद नहीं यस नो है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना देने से पहले, बगैर पढ़े जाओगे तो भाई फेल हो जाओगे, ठीक है। तो फिर तुम्हारी किस्मत है, और तुम्हें पता है किस्मत तुम्हारी इतनी कोई खास है नहीं, ठीक है ना, खुआड़ी लिखिए भाई, पढ़ के एक बार चले आना तो वन गो में क्लियर हो जाओगे, ठीक है। अगर वो पेपर आपको लेना ज़रूरी है जो 42 दिन मिलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत एक दो बार चार बार पढ़ लेना, साइन बोर्ड एक दो बार देख लेना, रोड पे ढूंढना साइन बोर्ड कहाँ लगे हुए, तो उससे थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है भाई। साइन आपको याद हो गए, सवाल जवाब आपने दे दिए, उसके बाद आपको गाड़ी की तैयारी भी इन 42 दिन में करनी है, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। तेज़ भगाने से, ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से घंटा आप क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। इनको बस एक टेक्निक चाहिए आपको ये पास करने के लिए, आपको रिवर्स गाड़ी लगाने आनी चाहिए, पार्किंग करना आपको अच्छी आनी चाहिए वो गाड़ी की, इसके अलावा ये लोग और कुछ भी नहीं पूछते, ठीक है। अब गाड़ी पार्क करने का जो वहाँ पे सही तरीका है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको 42 दिन ये करना है, अगर आप डेली गाड़ी चलाते हो, अगर आप नहीं भी चलाते तो आपको रात को डेली थोड़ा सा राउंड लेके एक दो बार तीन बार गाड़ी रोज़ आप पार्क करोगे तो आप बन जाओगे पार्किंग के प्रो, ठीक है। अब गाड़ी आपको पार्क कैसे करनी है, वहाँ पर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम पार्क करेंगे कैसे इसमें। तो भाई गाड़ी पार्क करने का जो सही और क्लियर तरीका है ना और इजी तरीका, वो होता है रिवर्स में गाड़ी आप अंदर डालो, रिवर्स में गाड़ी को आप अंदर डालो और फिर सीधी करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको गाड़ी आगे लेकर जानी है, जो आपकी पार्किंग जगह है, कोशिश करना पार्किंग की जगह छोटी हो, मतलब दो गाड़ियां आगे पीछे लगी हों और उन्हें टच भी नहीं करना, या अगर गाड़ियां हो तो, अगर गाड़ियां ना हो, अगर आपकी जैसे मेरे घर की तरह मतलब खुला इलाका है तो आप वहाँ पर पत्थर वगैरह रख देना, ईंट वगैरह रख देना, ताकि आप अपनी ट्रेनिंग कर सकें। ट्रेनिंग करना ज़रूरी है भाई, इसके अलावा आप क्लियर नहीं कर सकोगे, बाकी पवे वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है, जलालत है बिला वजह की, इन चक्करों में पड़ना ही नहीं, ठीक है। रिवर्स में गाड़ी लानी है, पहले तो आपको बिल्कुल आगे गाड़ी ले जानी है, रिवर्स में गाड़ी लानी है। ये पहला कट जो होता है ना, पहला कट जो आपने स्टार्टिंग जहाँ से की ना, अगर आपने पूरी गाड़ी गुजार दी ना बगैर टच किए, और यही करना ज़रूरी है वहाँ पर, ये जो बगैर टच किया आप गाड़ी गुजार के सीधी कर रहे हो ना भाई, ये मुश्किल है। अगर आपने ये कर लिया तो फिर इजी है, और ये नहीं कि डायरेक्ट यूँ आ जाएगी, नहीं यूँ आगे पीछे करनी पड़ती है, अंदर करते हुए भी गाड़ी और बाहर निकालते हुए भी, क्योंकि इतनी छोटी जगह इन्होंने दी हुई है, और ये ज़रूरी है भाई, क्योंकि रोडों पे जो लोग बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे ना, बुरा हाल कर देते हैं रोडों का भाई, यहाँ घुस रहे हैं वहाँ घुस रहे हैं, यूँ अजीब लोग है कसम से यार, ठीक है। तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, खैर ये थोड़ी बड़ी हो गई है, असल में मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना था। मैंने किया तो वन गो में है, लेकिन मुझे ये करते हुए 15 दिन लग गए, मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ,
लेकिन मैं 15 दिन लग गए मुझे ये करते हुए। क्यों भाई? पहले मैं गया ग्लासेस का टेस्ट दिया, उसके बाद मैं गया था लेट, तो मेरा टाइम ख़त्म हो गया। उन्होंने बोला टाइम ख़त्म हो गया, कल आना आप सवाल जवाब का पेपर देने। कल मैं नहीं जा सका, परसों में गया सवाल जवाब के लिए, और सवाल जवाब मैंने देने बैठा तो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ बारिश हो गई। जुम्मे का दिन था, बारिश हो गई, तेज़ बारिश हो गई, और घड़ी में मेरी पानी भर गया। खैर मैं बड़ी मुश्किलों से वहाँ पहुँचा। उन्होंने बोला भाई बारिश हो रही है, अभी तो बंद है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो खैर वो दिन भी हो गया ज़ाया। फिर हफ्ता एतवार मैंने छुट्टी की, फिर मैं पीर को गया, फिर मेरा सवाल जो आप क्लियर हो गए। उसके बाद फिर मैं गया टेस्ट देने के लिए गाड़ी का, तो वहाँ पर भी रश लगा हुआ था। बोला भाई टाइम ख़त्म हो गया है, आज नहीं होगा, आपको कल आना पड़ेगा। तो भाई सुबह जल्दी चले आना, मेरी तरह इतना ख्वाड़ मत होना भाई, ठीक है, सुबह जल्दी चले आना। और एक और बात, गाड़ी का टेस्ट देने से पहले 2-4-5 लोगों को देख लेना कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने जितने भी बंदे थे ना सभी फेल हुए हैं, कोई भी पास नहीं हुआ, सब के सब सारे फेल हुए हैं, ठीक है। तो जब मैं बाहर गया तो उन्होंने बोला भाई अब तो टाइम ख़त्म, कल परसों आना। परसों गया मैं, खड़ा रहा, फिर बारिश हो गई। अब मैंने बोला भाई ये क्या है, कोई पागलपना हो गया क्या मेरे साथ यार, ये क्या हो रहा है। उन्होंने बोला भाई तुम्हें देना है टेस्ट, दे दो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, यहाँ पे बारिश हो रही है, स्लिपी जगह है, तुम्हारी गाड़ी स्लिप होगी और तुम हो जाओगे फेल, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है तुम करो। अबे मैंने बोला यार अब ये क्या मसला है भाई, ये तो पुलिस वाले डरा रहे हैं। खैर उनको टेस्ट लेना नहीं था, काम चोर है साले। तो भाई वो पुलिस वाले हमें डरा रहे थे मुझे। मैंने बोला यार अब तो वो पुलिस वाले डरा रहे थे, मैंने बोला यार अब क्या करूं। तो खैर मैंने फिर बोला चलो मैं कल आ जाऊंगा। फिर एक दो दिन रुक के फिर मैं गया, फिर मैंने आपको बताया मेरा क्लियर हुआ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? पुलिस वाले ने गलती से मुझे फेल कर दिया कंप्यूटर में, गलती से मुझे फेल कर दिया। अब वो मुझे हेड ऑफ वहाँ ले गए बड़े ऑफिसर के पास, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर आप 42 दिन रुक जाएँ, ऑफिसर ने आपको गलती से फेल कर दिया है, अब इसकी जॉब चली जाएगी अगर ये आगे आपको सही करवाएगा ये वो। मैंने बोला नहीं भाई मेरा मसला नहीं है, मैं तो ड्राइविंग की जॉब के लिए जा। मैंने बोला मेरा मसला नहीं है भाई, मुझे तो चाहिए अभी, मैं वहाँ पे माना ही नहीं उनकी बात। मैंने बोला नहीं, तुम लोग भी तो हमें तंग करते हो, हम तुम्हें तंग ना करें। मैंने तो फुल उनको बोला नहीं भाई नहीं, मैं पास हुआ हूँ, मुझे आप पास करो, मैं कोई इंतज़ार नहीं करूँगा और 42 दिन का। कह रहे नहीं आप 42 दिन का इंतज़ार करो, उसके बाद आपको हमें ना क्लियर कर देंगे, आपसे कोई टेस्ट नहीं लेंगे। मेरा टेस्ट तो मैंने दे दिए हैं, मैं कौन से टेस्ट दूंगा भाई, मैं तो क्लियर हो गया हूँ। अब उन्होंने गलती से, मतलब वो रश लग गया था ना, तो उन्होंने उनके हाथ में वो कंप्यूटर में उनको एंट्री करनी होती, गलती से किसी और की जगह मुझे फेल कर दिया था या किसी और को पास कर दिया था ये नहीं पता, लेकिन भाई मुझे उन्होंने गलती से फेल कर दिया था बाइक में। कार की अभी हमारी हुई नहीं थी, कार में मुझे फेल कर दिया था, बाइक अभी हमने टेस्ट दिया नहीं था। अब वो भाई बोल रहे हैं यार तुम बैठो मैं तुम्हें करवाता हूँ ये वो। फिर 2 से 3 घंटे में बैठा हूँ, उन्होंने वो हेड ऑफिस में फ़ोन किया, बोला भाई ये गलती हो गई है, एक बच्चे का वो है ये टेस्ट, गलती से उन्होंने गलत कर दिया ये वो गरम चगरम। फिर वो बड़ी मुश्किलात से 2-2.5 घंटे हुए, उसके बाद मैं वहीं बैठा रहा, क्योंकि मुझे तो भाई क्लियर चाहिए था, मैं वैसे ही इतना ख्वार हो चुका था। वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप कर लो, आप है ना बोल दो, हम आपको बगैर टेस्ट की क्लियर कर देंगे, क्योंकि आप क्लियर तो आपका टेस्ट हो ही गया है, लेकिन है ना अब वो गलती से हमने कंप्यूटर में एंट्री कर दी है कि आप फेल हो गए। मिला नहीं भाई नहीं, मुझे तो चाहिए आज ही चाहिए। खैर फिर वो पुलिस वाले ने मेरा करवा दिया, उसका मुँह इससे छोटा हो गया जो जिसने मेरा वो लिया था ना, वो बंदा भी सही था यार। दूसरा जो पुलिस वाला था वो तो सबको ही फेल कर रहा था, वो पुलिस वाला भी सही था। उसने मुझे बोला मैंने अपनी जॉब पर खेल के तुम्हें ना पास करवाया। मैंने बोला भाई मैं तो वैसे ही पास था। खैर मैंने बोला अच्छा भाई शुक्रिया ये वो। उसके बाद जब मैं बाइक पे गया, बाइक पे मैं फेल हो गया, तो उसने बोला अबे तुम बाइक पे फेल हो गए, मैंने अपनी यहाँ नौकरी धाव पे लगा दी और तुम बाइक पे फेल हो गए। मैंने बोला भाई पास कर दो ना, तुम्हें टेस्ट देने की क्या ज़रूरत थी मेरी, 3 घंटे मुझे ख्वार किया और मुझे फिर बाइक में फेल कर दिया। तो खैर उन्होंने मुझे बाइक में फिर फेल कर दिया और गाड़ी में उस टाइम पास कर दिया, और फिर मेरा लाइसेंस बन गया गाड़ी का। तो बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा। रिवर्स में पार्किंग करना सीख लो, सवाल जवाब याद करके जाओ, आंखें चेक करने का मकसद ये है कि आप के अगर ग्लासेस हैं कम नज़र आते हैं तो ग्लासेस लगा के चले आना भाई, बगैर ग्लासेस जाओगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी आज की ये, फिर आपसे मिलते हैं हम कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।